तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं यहां पर करबला में, और मेरे को तो ना थोड़ा सा प्यास लगी थी, तो मैं पी रहा हूं यहां पर सलाया आइस। तो यहां पर ये करबला है, यहां से एक रोड जाती है ऊपर अल्मोड़ा बाज़ार से, और ये जाती है नीचे अल्मोड़ा, जो नीचे की रोड है ना बेस हॉस्पिटल से, वहाँ से जाती है। तो ये चौराहा है, यहाँ पर काफ़ी टैक्सियाँ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रोड जाती है नीचे हल्द्वानी की ओर, और दिल्ली है यहाँ से 350 किलोमीटर, और नैनीताल है आपका 62 किलोमीटर, और हल्द्वानी पड़ेगा आपको 91 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह से सीनरी है यहाँ पर करबला की, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से सीन है, कितना प्यारा सीन लग रहा है। यहाँ पर गर्म तो उतना हो नहीं रहा है, मौसम अभी यहाँ पर तो ठीक है। तो मैं पीता हूँ स्लाइस, उसके बाद आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या सीन दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो आप वीडियो में बने रहिए, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं करबला से थोड़ा नीचे को पहुँच गया हूँ, और कुछ इस तरह से है करबला से नीचे की मार्केट। यहाँ होटल उगरा और मिठाइयाँ उगरा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी है पहाड़ों की, जितने भी लोग हैं ना सब मिठाई दे रहे हैं, यहाँ नाश्ता वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये भैया काफल भी बेच रहे हैं, ये देखे सर में टोकरी लेके काफल बेच रहे हैं। और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये पहाड़ की गाड़ी गर्म हो गई तो इन्होंने खोल के रखा है। तो कुछ इस तरह से सीन है, क्योंकि नीचे से आ रहे हैं ना, बहुत गर्म हो रहा होगा यार इनको ना। तो ऐसा है सीन, व्यूज, गाड़ियाँ भी वन बाय वन आ ही रहे हैं, और यहाँ पर भी एक स्वीट की दुकान है, और ये पहाड़ों की गाड़ियाँ रुकी हैं यहाँ पर, और ये काफल बेच रहे हैं भैया, और यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है स्वीट का। तो ये करबला से ना नीचे मिलेगा आपको, ऊपर से आएंगे तो, नीचे से आएंगे तो आपको रास्ते में अल्मोड़े से पहले मिल जाएगा आपको। तो ये जानकारी है, और ये देखिए यार क्या सीन लग रहा है यार, क्या खूबसूरत सीन लग रहा है पहाड़ों का, देख सकते हैं। ये मैडम शर्मा गए, उधर को मुंह कर दिया है इन्होंने, क्योंकि कैमरे में नहीं आना बनना उनको, तो कोई नहीं, पहाड़ तो आ ही रहे हैं ना कैमरे में, और ये रेस्टोरेंट आ ही रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है, गाड़ियाँ बहुत रॉन्ग चलती हैं, ये काफल काफल करके बोल रहे हैं, मैं तो फ्री में लाया ना काफल। तो इस तरह से रेस्टोरेंट है, इस तरह से व्यूज है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सबसे बढ़िया तो पहाड़ लग रहे हैं यार वहाँ। और यहाँ जगह जगह जो पहाड़ों को गाड़ियाँ जा रही है ना वो रुकी हुई हैं, लोग मिठाइयाँ ले रहे हैं, और आगे भी है थोड़ा सा फिर गैप है, और फिर आगे भी है दुकानें। तो यहाँ पर ये सवारी लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं इनको कहाँ जाना है, और ये नीचे से हल्द्वानी से गाड़ियाँ आ रही हैं, और उसके बाद ना यहाँ पर भी मिठाइयाँ उगरा हैं। तो ये गाड़ियाँ रुकी हैं, हल्द्वानी दिनेशपुर वाली गाड़ी है, ये मिठाई की दुकान कुछ इस तरह से है आप देख सकते हैं, और यहाँ भी मिठाई की दुकान है, और ये नया बन रहा है, यहाँ भी मिठाई खुलेगी, और धड़ाधड़ गाड़ियाँ आ रही नीचे से। ये चाय पॉइंट है, टी पॉइंट, यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, और ये होटल जो है अभी बड़ा होटल है आप देखिए, और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट स्वीट एंड गेस्ट हाउस भी हैं, तो अच्छा है आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ बसें भी रुकती हैं, और काफ़ी सही रहता है, क्योंकि बाज़ार में इतना है नहीं, मार्केट में रुकने की व्यवस्था है नहीं गाड़ियों की, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती। तो यहाँ नीचे को मार्केट है यहाँ को, तो ये बिस्ट स्वीट यहाँ पर है, यहाँ भी सेवे में मिठाई ले जाता रहता हूँ, अभी तो नहीं ले जाऊँगा क्योंकि अभी ना मिठाई खाने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी भी है, ख़राब हो जाएगी ना। तो ऐसा है, यहाँ पर मंदिर है एक बहुत अच्छा, आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी टूरिस्ट लोग बाहर से आए हैं। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है आप देख रहे हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पर ये नया ही खुला है यार, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, ये बढ़िया बढ़िया बनाया है, एकदम मस्त बनाया है यार, मज़ा आ गया यार देख के, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं यार यहाँ पर, ये देखिए ये भी खुला है। और यहाँ से वन विभाग को पता नहीं कहाँ को जाती है रोड, मेरे को नहीं पता,
और यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, मगर यहाँ पर नाई की दुकान और ये स्टील वर्क है, वेल्डिंग का है, और टेंट हाउस का है यहाँ पर, और ये ब्यूटी पार्लर टी सेंटर का है, और यहाँ पर पुलिस चौकी भी है। जब कोविड के दौरान ना यहाँ पर पहुँच के ना दिल में बहुत धक-धक होती थी, यहीं पर रोक लिया जाता था क्या होगा कैसा होगा। तो ये पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पर भी एक स्वीट खोल रखा है, और आगे ये पता नहीं कौन सा भवन है, फूड कॉरपोरेशन। ये खाने का जो भी ऑफिसर लोग है ना, उनका ऑफिस है, फूड विभाग का ऑफिस है ऐसा। तो गाड़ियाँ धकाधक भर के आ रही हैं बोलेरो, ये फूड इंस्पेक्टर का ऑफिस और अल्मोड़े का, जो भी अल्मोड़े जिले में खाने में कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ ये विभाग देखेगा। तो इसको कितनी जल्दीबाजी है यार, जाने दो। और यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग, लिट्टी बना रहे हैं यार। तो यहाँ पर अब मार्केट ख़त्म होने वाली है, और नीचे को बैंड आएंगे, तो मैं आपको ना फिर आगे का दिखाता हूँ क्या है यहाँ सीन शॉट। बने रहिए आप वीडियो में, और मेरी हालत देख रहे हो आप कैसे होगी, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही यार, हैं सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए यार, शेयर कीजिए वीडियो को, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, जो भी वीडियो देख रहे हो आप। मिलते हैं, आगे का सीन दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में। तो गाइज मैं अभी पहुंच गया हूं अल्मोड़े के बैंड में, जो बैंड स्टार्ट होते हैं ना, जहां ना लोगों को सबसे ज़्यादा ना पेट घूमता है और गाड़ी लगती है उल्टी होती है ना, मैं वही पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। बाहर की काफ़ी हवा आ रही होगी, हवा की नॉइज़ आ रही होगी, तो मैं उस लोकेशन पर पहुँच गया हूँ जहाँ से ना लोगों को बहुत ही गाड़ी लगती है। तो वो बैंड कुछ इस तरह से है, ये अल्मोड़े का एरिया है, और ये वो बैंड है, आप देख सकते हैं वो सामने से जो बैंड है ना, वो बैंड है, ये पहाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से है ये बैंड है, ये सबसे खतरनाक वाला बैंड है। यहाँ पर ना सबसे बहुत संभल के चलना पड़ता है। यहाँ पर एक फूड बैंड भी लगी हुई है, जगह है, मगर ये ना बहुत डेंजर बैंड है, तो यहाँ पर ना आप गाड़ी ज़रा संभल के चलाएँ, ये ना बहुत ही डेंजर बैंड है। तो मैं अभी उसी लोकेशन पर हूँ, मैंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये बैंड है, और मैं आपको दिखा देता हूँ उस तरह से यू शेप में ये पूरा बैंड है। तो जो ये बैंड है ना, ये सबसे बड़ा बैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ से ना काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा बैंड है, जो कि यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, ये देखिए सबसे सकरा बैंड इसी को बोलते हैं, यहाँ से इस तरह से ये देखिए बहुत ही खतरनाक बैंड है। तो यहाँ और यहाँ पर ये फूल भी खिले हुए हैं, आप देख सकते कितने प्यारे फूल हैं। गाइज मैं अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ खैरना के रोड पे, जहाँ खैरना है पूरा, मतलब एकदम बढ़िया सा हाईवे है, वहाँ पर पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ आगे का नज़ारा, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, एकदम घाटी टाइप की है, और यहाँ पर ना पूरा कोसी नदी है, ये कोसी नदी है, ये इधर को बह रही है, वहाँ से यहाँ को बह रही है, ना हवा इधर को चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो इधर को बह रही है, मगर वो ऊपर से ना नीचे को बह रही है, वहाँ को बह रहा है पानी। तो कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये खैरना रोड है पूरी,
रोड एकदम बढ़िया है, आप आ सकते हैं, एकदम टकाटक है। 120 130 की स्पीड से आप गाड़ी ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है स्पीड करने का। तो कुछ इस तरह से है, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है, देख सकते हैं वहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो दूर है, मगर वो दो मिनट में गाड़ी आ जा रही है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, और कुछ इस तरह से है खरना का नज़ारा। तो कैसा लग रहा है आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, तभी तो आपको नई नई वीडियो मिलेगी। नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, अभी आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। तो गाइज मैं अभी यहाँ पर कैंची धाम मंदिर पे पहुँच गया हूँ, बाबा नीम करौली के दरबार के ऊपर पहुँच गया हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं, पीछे बाबा नीम करौली का ये है मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ नीचे से लेके वो वहाँ से लेके पूरा यहाँ पर ये मंदिर है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है इस बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर नो पार्किंग जोन है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके ना बड़ी मुश्किल से यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जैमर लग जा रहे हैं, तो आजकल ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और कुछ इस तरह से लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए। दूर दूर गाड़ी पार्किंग करनी पड़ रही है यहाँ पर, नहीं तो ना यहाँ पर। और ये भुट्टे भी बेच रहे हैं, और ये वैसा भुट्टे बेच रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और वो आगे मेन गेट है नीम करौली बाबा का, आप देख सकते हैं वो देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। तो कुछ इस तरह से है मंदिर, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। नीम करौली आइए यहाँ विजिट, ये जंगल है पूरा, ऊपर को जंगल है, आप देख सकते हैं पूरा जंगल एरिया है। और नीचे ये बाबा जी का मंदिर है, और यहाँ पर काफ़ी भक्त लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी बाबा लोग भी बैठे हुए हैं, और ये भक्त मिल रहे हैं। अभी लोग गाड़ी दूर दूर पार करके यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो गाइज कैसा लगा मंदिर, पीछे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए बाबा के नाम पर, एक सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी वीडियो देख रहा है। तो आइए यहाँ पर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली भी इसी बाबा के वहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। तो विराट कोहली ने भी यहाँ पर दर्शन किए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और अर्जुन कपूर भी यहाँ शायद आए थे। तो ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो शेयर कीजिए गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा जी नीम करौली का जो मंदिर है ना, जो आश्रम है वो पीछे को है, ये मंदिर है। तो ये ऊपर वाली रोड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो कितना बेहतरीन लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ पर वो सीढ़ियों में ना इतनी सारी भीड़ लगी हुई है ना आने जाने वालों के लिए, और गाड़ियाँ इतनी है ना पूछो मत। यहाँ पार्किंग कितना बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी अस्थाई पार्किंग करके रखा गया है वो साइड। तो संडे को तो मत आइए आप, बाकी दिन आ सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी भीड़ है, कुछ इस तरह से नज़ारा है। तो ये ऊपर की रोड है, मैं ऊपर की रोड से ना आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, और ये नीचे की रोड है। तो तीन लाइन है, एक दो तीन, तीन रोड, एक रोड दो रोड तीन रोड, ऐसा करके घूम के जाएंगे तो तीसरे रोड पर सबसे नीचे रहेगा ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है, भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर। पुलिस वाले कम से कम 50 पुलिस वाले हैं हर जगह जगह पर, ताकि कोई मतलब गाड़ियाँ आड़े टेढ़ी ना लगाए और जाम की स्थिति ना बना रहे। तो यार गाइस देखो कितना खूबसूरत है यहाँ नीम करौली का मंदिर बाबा जी का, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े स्टार लोग भी आए हुए हैं। तो यार इतना अच्छा व्यू लग रहा है यार, आप आइए यार घूमिए, देखिए पहाड़ भी है ऊपर को।